हे गाइस, आज मैं आप लोगों को एक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे कि इसका जो फेस है आप लोग देख सकते हैं, फोटो का फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है एंड गाइस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। सो गाइस, इसको मैंने एडिटिंग करके कुछ इस तरीके का बना दिया। सो गाइस, इस वीडियो पर मैं फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा, उसके साथ साथ आप लोग कैसे इस तरीके का बैकग्राउंड बना सकते हैं वो भी बताऊँगा। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को फुल्ली देखना एंड मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बता दूंगा। सो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं, मैं नॉर्मल फ़ोटो को ओपन किया। सो आप लोग देख सकते हैं जो फ़ोटो है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है एंड बहुत ही बेकार लग रहा है। सो गाइस, इसको अगर आप लोगों को सही तरीके से एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को फुल्ली देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप लोग कैसे कुछ इस तरीके का एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी यहाँ पर लैपटॉप यानी PC यूज़ करके। ठीक है, मैं मोबाइल से ही करके आप लोगों को बताऊँगा। सो गाइस, यहाँ से मैं फ़ोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन करूँगा और वहाँ पर मैं फेस को फिक्स करूँगा, यानी फेस के अंदर जो कलर है बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और फेस जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। सो इसको मैं सही तरीके से एडिटिंग करूँगा। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं फ़ोटो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, सिंपली आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को सिलेक्टिव वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो गाइस, सिलेक्टिव वाले ब्रश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो सिलेक्टिव वाले टूल को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जूम करूँगा और जहाँ पर ब्लैक है कुछ इस तरीके से रख के मैं यहाँ पर कुछ राइट क्लिक करूँगा और फेस जो है गोरा हो जाएगा एंड आप लोग देख सकते हैं फेस के अंदर थोड़ा सा कलर आ रहा है। उसके बाद मैं राइट वाले ऑप्शन के अंदर फिर से टैप करूँगा। टैप करने के बाद फिर से मैं टूल्स वाले ऑप्शन को ऑन करूँगा और यहाँ से टोन इमेज और गाइस ऊपर स्वाइप करना है आप लोगों को और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को राइट क्लिक कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां से फिर से इस वाले ऑप्शन को ऑन करूंगा और जो सिलेक्टिव वाले टूल है इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहां पर मैं फेस के अंदर कुछ इस तरीके से दे के मैं सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर दूंगा। ठीक है, सो यहां पर जो क्लार है बहुत ही अच्छा आ चुका है फेस के अंदर। आप लोग देख सकते हैं गाइस, बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा यहाँ पर क्लार आया है। सो गाइस, फेस जो है यहाँ पर तो क्लार आ चुका है लेकिन गाइस फेस का जो स्मूथ है वो अभी तक नहीं आया है। सो गाइस, वीडियो को फुल्ली देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो आप लोगों को क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ओपन करने के बाद वहां पर मैं फेस स्मूथ करना आप लोगों को सिखाऊंगा। सो चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइस, जैसे कि मैं फ़ोटो को ओपन कर लिया ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। सो गाइस, सिंपली आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्रश ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने। सो इस वाले ब्रश को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग को आप लोगों को कुछ इस तरीके से रखना है और साइज को अपने मुताबिक से रखने के बाद आप लोगों को जूम कर लेना है फ़ोटो को और जूम करने के बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से पेंट करना है। ठीक है, सो मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग कुछ इस तरीके से पेंट करिए और आपका जो यहाँ पर स्मूथ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने करता हूँ, आप लोग देख लीजिए स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, सो मैं वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, यहाँ पर फुल्ली आप लोगों को बताऊँगा आप लोग कैसे स्मूथ कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्मूथ हो रहा है फेस एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, इस ऐप पर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटेगा आप लोगों का और बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं फटाफट से स्मूथ कर लेता हूँ। गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैं फेस को स्मूथ कर लिया। सो स्मूथ करने के बाद इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पर लाइट रूम ऐप के अंदर। सो आप लोग देख सकते हैं फेस बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो उसके बाद मैं लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लूँगा फोटो को। ठीक है, सो गाइस, लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन करने के बाद वहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है एंड फेस का जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्टमेंट करना है। सो चलिए लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस, आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है लाइट मैप के अंदर। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, सिंपल आप लोगों को यहाँ पर जो लाइट वाले ऑप्शन है इसके अंदर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर लाइट को एडजस्टमेंट करना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं शेडो को हाई कर दूंगा और जो हाईलाइट है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ और उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट है उसको माइनस की तरफ और जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा हाई कर दूंगा। हाई करने के बाद जो फोटो का कलर है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और गाइस, सब लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो कलर वाले ऑप्शन है इसके अंदर जाना है और यहाँ से मिक्स वाले टूल
और गाइस यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले जो कलर सिलेक्ट करना है ये वाला कलर, सो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ह्यू को माइनस की तरफ और शेडो को हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को हाई कर दीजिए और जो ह्यू है उसको कुछ नहीं करना है आप लोगों को। और गाइस यहाँ पर फेस का कलर को सिलेक्ट कीजिए ऑरेंज कलर और सिलेक्ट करने के बाद लेमुलेशन को हाई कर दीजिए और जो यहाँ पर सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ और आप लोगों को डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइस सिंपली एक बार फोटो को सेव कर लेना है। सो गाइस मैं सेव कर लेता हूँ फोटो को। गाइस सेव हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से बैग आ जाना है और जिस फोटो को अभी अभी सेव किया उसको फिर से इनपुट कर लेना है लाइट मैप के अंदर। सो मैं लाइट मैप के अंदर फटाफट से इनपुट कर लेता हूँ। गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं लाइट रूम ऐप के अंदर फोटो को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जिस फोटो को अभी अभी सेव किया उसको मैं इनपुट कर लूँगा और यहाँ से मैं फिर से कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मिक्स वाले टूल और यहाँ से गाइस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करूँगा और ह्यू को माइनस की तरफ और जो सेचुरेशन है उसको भी माइनस की तरफ। और गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से डन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी को हाई कर देना है। हाई करने के बाद जो वाइब्रेंट है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जो नॉइस रिडक्शन है उसको फुल्ली हाई कर दीजिए और जो शार्पनेस है उसको थोड़ा सा हाई करना है आप लोगों को। और गाइस आप लोग देख सकते हैं जो फोटो के अंदर कलर आया है बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है। एंड गाइस आज का वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताना और ये जो ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को वो भी नीचे कमेंट करके बताना। सो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।